हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से चैप्टर लिया है लिमिट्स। एक ट्रिकी सा क्वेश्चन लिया है, चलिए इसका कंसेप्ट सिखाता हूँ। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई लिमिट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ भी आगे करने से पहले यहाँ लिखा है ना एक्स टेंड्स टू जीरो, इस एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब एक्स की वैल्यू जीरो को डिनोमिनेटर में पुट कर दो, और डिनोमिनेटर में पुट करने के बाद चेक करो, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है तो समझ जाइए आपका फाइनल आंसर आ चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लेकिन अगर जीरो आ रहा है तो फिर आप x की वैल्यू जीरो पुट नहीं कर सकते और कुछ और नियम लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, मैं जीरो डालता हूं यहां पर, तो 7 इंटू जीरो इज जीरो, साइन टू इंटू जीरो मतलब साइन जीरो, साइन जीरो भी जीरो, जीरो इंटू फोर इज जीरो, तो पूरा डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर स्टेप पर x की वैल्यू जीरो नहीं पुट की जा सकती, तो कुछ ट्रिक लगेगा। और ट्रिक देखो बहुत आसान है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन वेटेज तो दो नंबर से ज्यादा का नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा कि काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखो जरा ट्रिक क्या है, मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दो। हाँ, दोनों को x से डिवाइड कर दो, तो देखो क्या आया, 5x प्लस 4 साइन 3x होल अपॉन x। मैं न्यूमरेटर के लिए लिमिट अलग लूंगा और डिनोमिनेटर के लिमिट अलग लूंगा, 4 साइन 2x प्लस 7x होल अपॉन x। ठीक है, तो स्टेप क्या था मेरा कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। अब इस एक्स को दोनों टर्म के साथ सेपरेट, नीचे भी दोनों टर्म के साथ सेपरेट, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ये कितना आगे चेक करो, 5x अपॉन x प्लस, इसको सेपरेट लिमिट रख दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 4 साइन 3x होल अपॉन x। ध्यान रखिएगा, जो मेथड जिस तरह से मैं करके दिखा रहा हूं ये लिमिट को करने का सबसे परफेक्ट मेथड है। ठीक है, अगला स्टेप लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कितना आएगा, 4 साइन 2x होल अपॉन x, और दूसरे टर्म के लिए सेपरेट लिमिट ले रहा हूं, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 7x अपॉन x। अब क्या हो सकता है अगला स्टेप देखो जरा, ये x से x चला गया, ये x से x चला गया। अब इस क्वेश्चन में जो लिमिट की प्रॉपर्टी है यूज हो रही है वो देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। प्रॉपर्टी क्या है कि जो साइन का एंगल है अगर वो एग्जैक्टली नीचे लिखा है तो डायरेक्टली वन लिख सकते हो, कंडीशन ध्यान रखना x टेंड्स टू जीरो लिखा होना चाहिए। तो x टेंड्स टू जीरो लिखा हुआ है, साइन का एंगल चेक करो क्या है, 3x है, तो डिनोमिनेटर में 3x से लिखा हुआ चाहिए अगर मुझे इस पूरे को वन लिखना है। तो मैंने क्या किया, 3 कम पड़ रहा है ना, तो 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 1 हो गया। यहां चेक करो साइन 2x, तो अपॉन में भी 2x चाहिए, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो चेक करो ये भी 1 हो गया। तो फिर हमारे पास बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारे पास बचा एक 5, फिर प्लस 4 इंटू 3 12, अब सिंगल लिमिट से ही सॉल्व हो जाएगा, 4 टू 8 ये तो 1 हो गया, प्लस 7 क्योंकि क्वेश्चन में x खत्म हो चुका है तो लिमिट भी लिखने की अब आपको जरूरत नहीं है। तो 12 प्लस 5 इज 17, 7 प्लस 8 इज 15, तो ये लीजिए हमारा आंसर आ गया 17 अपॉन 15। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां लिमिट चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं वो प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।